हे गाइस, माय सेल्फ राज एंड यू आर वाचिंग राज लाइफ। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अपकमिंग इवेंट के बारे में, जिसका नाम है गाइस सस्टेनेबिलिटी वीक। और ये अप्रैल 20 10 AM लोकल टाइम से अप्रैल 25 8 PM लोकल टाइम तक चलेगा। तो मेरे को नहीं लगता यार इसको सस्टेनेबिलिटी वीक क्यों बोल रहे हैं, ये तो एक वीक का भी नहीं हो रहा है, मतलब ये सिर्फ 5 दिन का हो रहा है। वाई दे आर कॉलिंग सस्टेनेबिलिटी वीक, ये थोड़ा सा नाम भी अजीब सा है यार इसका, थोड़ा अजीब से बोलने में लग रहा है। ओके, चलो छोड़ो हटाओ ये सब बात को, और गाइज हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के। गाइज, बट उससे पहले, यस गाइज, सबसे पहले वो 3 लोग गाइज जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बहुत ही नेक कार्य किया है, वो हैं गाइज काइबिस्ट, फ्रेक्स, जैन, ओजी डूड। सो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल गाइज। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया तो आप भी कर लीजिए, कमेंट में मुझे हाय जरूर लिख के भेजिएगा। एंड गाइज, अगर आप लोग हमारे चैनल को ऑलरेडी कर रखे तो थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए गाइज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, जो इस वीक में, मतलब इस इवेंट में पोकेमोन डेब्यू करने वाला है गाइज, उसका नाम है ओरैन गुरु। यस गाइज, ओरैन गुरु हमको कैच करने को मिलेगा, मे बी ये वाइल्ड में कैच करने को मिलेगा। इसका ओरैन गुरु द सेज पोकेमोन बोला जा रहा है, अभी आगे हम बात करेंगे ये हमको मिलेगा कैसे। ओके, यहाँ पे गाइज एक और चीज़ का डेब्यू होने वाला है, वो है चेरवी। चेरवी गाइज ये फर्स्ट टाइम आपको साइनी में एनकाउंटर करने को मिलेगा, आपको ये कैसे मिलेगा इसके बारे में भी बात करेंगे। गाइज यहाँ पे हमको एक रिसर्च मिलेगा, अप्रैल 23 10 AM से 8 PM लोकल टाइम तक रहेगा सैटरडे को। और यहाँ पे हमको क्या करना रहेगा गाइज, हमको 1 किलोमीटर वॉक करना पड़ेगा। जैसे ही हम गाइज 1 किलोमीटर वॉक करेंगे, हमको एक चेरवी इनकाउंटर करने को, मतलब कैच करने को मिलेगा। अगर हम गाइज इस इवेंट के टाइम में 5 किलोमीटर वॉक करते हैं तो नियंटिक एक प्लांट लगाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरा तो ये मानना है गाइस कि डेफिनेटली आप वॉक जरूर करें, 5 किलोमीटर तो जरूर ही करें। 10 AM से 8 PM के बीच में कोई बड़ी बात नहीं, हम कर सकते हैं गाइस। ओके, तो ये एक अच्छी बात है, और आपको चेरवी भी कैच करने को मिलेगा गाइस, तो ये एक बहुत अच्छी बात रहेगा। मे बी आपको साइनी ईजिली मिल जाए चेरवी का। आगे बात करते हैं गाइस, कलेक्शन चैलेंज हमको मिलेगा, और उस कलेक्शन चैलेंज को कंप्लीट करने पर गाइज हमको एक इलाइट कलेक्टर मेडल मिलने वाले, मॉड्यूलर मॉड्यूल मिलेगा एंड 15 ग्रेट बॉल मिल रहा है। ओके, हमको इसमें करना क्या रहेगा, 2 पोकेमोन को कैच करना है, ग्लूम एंड विम्पिनवेल। ये मिलेंगे कैसे, मॉड्यूलर मॉड्यूल को आपको पोके स्टॉप पर लगाना है। ओके, और दे तब ये जाके अपेयर होंगे, तो डेफिनेटली मैं तो अपने पोके स्टॉप पर लगाऊंगा ही। अगर आपको कैच करना है तो आप मेरे पोके स्टॉप पर आ सकते हैं, ठीक है। अब गाइज वाइल्ड एनकाउंटर्स का बात करते हैं हम यहाँ पे, ऑडिस, ग्रीमर, टर्टवे, ग्रोटल, चेरवी, ट्रविस, फ्यूरोसिड एंड ओरैन गुरु। यस गाइज, ओरैन गुरु हमको वाइल्ड में कैच करने को मिलेगा। यहाँ पे गाइज ग्रीमर, ऑडिस, टर्टविक, चेरवी एंड ट्रविस, ये एंड फ्यूरोसिड, ये आपको साइनी में अवेलेबल रहेंगे। अगर आप लकी रहते तो आपको साइनी कैच करने को मिलेगा। और गाइज वीनसॉर एंड फैंटम भी हमको वाइल्ड में कैच करने को मिल जाएंगे। अगर लकी रहते तो हमको साइनी वीनसॉर भी कैच करने को मिलेगा। तो ये एक अच्छा टाइम रहेगा गाइज, अगर आपको वीनसॉर का कैंडी या एक्सल कैंडी गेट करना, बिकॉज एक्सल कैंडी और वीनसॉर पे गारंटेड है। एंड फैंटम के लिए गाइज आप डेफिनेटली जा सकते हैं, बिकॉज ट्रेवेनेंट एक बहुत अच्छा पोकेमोन है UL में एंड GL में, दोनों में ही। ओके गाइज, यहाँ पे 7 किलोमीटर एग हैच में थोड़े से चेंज होंगे, जिसमें गाइज हमको एलोलन डिग्लेट, लार्विटार, चेरवी और ओरैन गुरु 7 किलोमीटर एग हैच करने पे मिलेंगे गाइज, जिसमें अलोलन डिग्लेट, लार्विटार एंड चेरवी जो है वो साइनी में रहेगा, बाकी ओरैन गुरु तो नॉर्मली रहने वाला है। और ये रेयरिटी लेवल 1 में रहेंगे गाइज, बाकी जो रेयरिटी लेवल है उसमें वो सेम पोकेमोन रहने वाले हैं। तो ये एक अच्छा चांस रहेगा गाइज कि अगर आपको लार्विटार गेट करना है एग के थ्रू, तो ये एक अच्छा चांस रहेगा, बिकॉज ऐसे आपको 12 किलोमीटर के एग हैच करने पड़ते हैं लार्विटार के लिए, अभी वाइल्ड में अवेलेबल वैसे भी ये नहीं है। ओके, एक इवेंट बॉक्स मिलेगा गाइज, मॉड्यूलर मॉड्यूल, जिसमें हमको फ्री में मिलने वाला है। तो यस गाइज, वो जो हमको टास्क मिल रहा है ग्लूम एंड विम्पिनवेल कैच करने को लर मॉड्यूल के थ्रू, वो आपको पहले लर मॉड्यूल जो इवेंट बॉक्स में मिलेगा वो आपको यूज़ करना है, एंड आप उसको कैच कर सकते। अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते, सेव करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप वंस अगेन मेरे पोके स्टॉप पर आके प्ले कर सकते हैं, अगर आप कैपेबल हैं तो। ओके गाइज, अट्रैक्टेड टू मॉड्यूलर मॉड्यूल, जो पोकेमोन मॉड्यूलर मॉड्यूल से अट्रैक्ट होने वाले गाइज, वो है ग्लूम, विम्पिनवेल, चिकोरिटा, ग्रोटल, चेरवी एंड स्वेडल। और गाइज अगर आप लकी रहते तो अलोलन डिग्लेट, बेलोजम एंड इनकैडा,
ये भी हमको मिल सकता है यहाँ पे गाइस। चेरवी, चिकोरीटा, अलोलन डिगलेथ एंड इनकैडा, ये चारों जो है गाइस साइनी में अवेलेबल है, तो अगर हम लकी रहते हैं तो हमको साइनी कैच करने को मिल जाएगा। फिर रिसर्च टास्क से गाइज हमको टर्टविक, चेरवी, स्नेवी, ट्रेविस, चेस्पियन एंड फैंटम मिल जाएगा। तो यहाँ पे गाइज चेस्पियन एंड फैंटम साइनी में अवेलेबल नहीं है, बाकी आपको साइनी में अगर आप लकी रहते तो मिल जाएगा। अगर आप और आपको यहाँ पे गाइज थोड़े से मेगा एनर्जी के भी फिल रिसर्च मिल सकते हैं, ओके, जिसमें आपको मेगा विनोसोर का एनर्जी मिल सकता है, मेगा एमोशनोर का एनर्जी मिल सकता है। एंड गाइज इवेंट बोनस रहने वाला है 2x बोनस XP फॉर स्पिनिंग पोके स्टॉप। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई भी नए पोके स्टॉप को स्पिन करते हैं तो आपको 2x बोनस मिलेगा XP। ऐसे देखो क्या होता है कि आप नए पोके स्टॉप को जब आप स्पिन करते हो तो आपको 1000 मिलता है, ऐसे क्या होगा आपको 2000 XP मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि आपको ये टोटल इवेंट समझ में आ गया होगा, आपको कैसे प्ले करना है और क्या करना है और क्या कैच करना है, ओके, किस पे फोकस भी करना है, किस पोकेमोन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि आपको ये वीडियो जो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करने का है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एवरीवन।